हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्वस्थ और स्वस्थता के बारे में। देश में स्वस्थता रखना केवल सरकार का ही नहीं अपितु सभी का कर्तव्य होता है। देशवासियों को मिलकर स्वस्थता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों को आसपास की सफाई में अपना योगदान देना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों को नदियों, तालाबों, झीलों और झरनों के पानी में गंदगी को जाने से रोकने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। सरकार को भी वायु में मिलने वाले तत्वों की प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वायु को शुद्ध करना चाहिए। मनुष्य में स्वस्थता का विचार उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। शिक्षा पाने से ही मनुष्य खुद स्वस्थता के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। स्वस्थता उत्तम स्वास्थ्य का मूल होता है, इसीलिए हमें स्वस्थता के प्रति मनोयोग देना चाहिए। हम सभी का एक ही नारा है, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वस्थता का दीप जलाएंगे, सारों ओर उज्ज्वला फैलाएंगे। सफाई अपनाएं, बीमारी हटाए। हम सब ने अब ये थाना है, भारत स्वस्थ बनाना है। कड़े हम ऐसा कम, बनी रहेगी देश किसान। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, है ना? स्वस्थता हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक अच्छी आदत है, जिसे हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थता से मनुष्य के जीवन को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत से लाभ हो सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य किसी के भी जीवन को बेहतर बना सकता है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र स्वस्थता है। स्वस्थता का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि साफ सफाई नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाएगा। स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आसपास की गंदगी को दूर कर बीमारियों से बचकर अच्छा जीवन से जी सकते हैं। सभी लोगों को स्वस्थता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वस्थता एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा आज के समय में गांधी जी के आदर्श पर कायम होकर स्वस्थता अभियान निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साफ सफाई और स्वस्थता के महत्व को समझना है। स्वस्थता एक बहुत ही अच्छा आदत है और एक पुण्य का भी काम है, जिसे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हर एक व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि हमारे जीवन में स्वस्थता और पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं पर ईश्वर निवास करते हैं, है ना बच्चों? इसीलिए हमें स्वस्थता पर अधिक ध्यान देना चाहिए।